सतनाम जी महाराज, सतगुरु अमरदास जी के चरणों में कोट कोट बनगी, स्वामी ज्ञान विशेष महाराज के चरण कमल में कोट कोट बनगी, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज के चरण कमल में कोट कोट बनगी जी। हाँ जी, सतगुरु अमरदास जी के बारे में बहुत पहले से सुना था। बाकी पहले हम पे जाते थे खेगड़ा, फिर गुरु जी के बारे में जब सुना तो हमारे पिताजी कह लगे भाई अब साक्षात जो हैं परमात्मा मालिक हैं उनके शरण में जाना चाहिए, वे हमें कुछ रास्ता बताएंगे। तो हम 93 से गुरु जी की शरण में आए और शरण में आने के बाद हमारे आते ही नौकरी लगी। मेरी नौकरी भी नहीं थी मेरी, जब हमारी मिसेज की भी नौकरी नहीं थी, उन्होंने बीए कर रखा था। मैंने नौकरी लगने के बाद बीएड करा रोहतक से, बीएड करने के बाद फिर 98 में उनका भी नंबर आ गया एमसीडी में, प्रमोशन हो गया उनके बाद 2006 में। अब टीजीटी संस्कृत हैं वे, यहीं दिल्ली में ही मानसौर पार्क नंबर 2 स्कूल में। और ये जो लड़का है अनमोल, ये हमारे यहाँ शादी के 22 साल बाद आया। और हाँ जी, ऐसा चमत्कार पहली बार देख सुना होगा, विश्वास नहीं करते लोग। जहाँ एमसी भी बंद, अंडा नहीं बनता, यूट्रासाइज छोटा, डॉक्टर सब फेल, और गुरु ने वहाँ फूल खिलाया। अक लोगों को दिखा दिया हम ऐसा भी कर सकते हैं। गुरु जी ने एक बार मुझे कहा था, 2 नंबर पर रहते थे हम, तो गुरु जी कहने लगे सत्संग करके लौट गए थे सब 4-1 बजे सी, तो कह लगे गुरु जी अरे मास्टर यहाँ आ। तो गुरु जी ने मुझे बैठाया, मैं बैठ के बंदगी करके, जी गुरु जी, कह लगे हम तेरे बारे में कुछ और सोच रहे, जब तक ये लड़का नहीं हुआ था उसकी पहले की बातें। मैं कह जी गुरु जी, उनको जो उनसे बोले ये मरेंगे, आगे होंगे वे भी मरेंगे, हम ना चाहते बीज बन, हम तो तुझे सीधा ले जाना चाह रहे। मैंने गुरु जी बंदगी कर ली। गुरु जी मेरे पर मांगना भी नहीं आता, मैं तो जो आपने सेवा बताई उस पर चल रहा हूँ। तो उनको ना मैं नहीं तो कहूँ था, हम तो तेरे बारे में कुछ और सोच रहे। जी गुरु जी ठीक है, यह रहेगी बात, माँ गुरु जी मास्टर ने को बता दो आप। फिर उन्होंने कहेगी भाई मुझे कि गुरु जी ने कहा, मैं गुरु जी को पास बुलाया मास्टरनी को, माँ गुरु जी ऐसे ऐसे कह रहे। मास्टर ने भी हाँ भर ली, कोई बात नहीं गुरु जी, जैसे आप जो प्रसाद दोगे वो खुशी से हम ग्रहण करेंगे, जो आपकी बात हमेशा अटिक रहेगी। उसके बाद गुरु महाराज की ऐसी कृपा बनी कि गुरु जी ने इकतारपुर में भी कहा, बोल तो अपने मुँह तक के चाहते जे, दीनदयाल के यहाँ कहा ऐसे ही, बोल क्या चाहते जे। गुरु जी मेरे पे कहलवाना चाह रहे थे, एक तो मांग ले, बल्कि डॉक्टर प्रेमी ने कहा जा थारी मास्टरी तेने तो नाश कर दिया, गुरु जी तुझे देना चाह रहे और तू ले नहीं रहा। माँ गुरु जी को मैंने जो बता दिया मैं तो उस पर डटा रहूँगा, मैं वे खुशी से तो कुछ भी मैं उससे ग्रहण करूँगा, पर बड़े भाग हमारे गुरु मुझे इस तरह परम पिता परमात्मा मालिक इस तरह पूछ रहा, हमारे कितने बड़े भाग होंगे। उससे पहले घटना घटी थी, सन 23 अक्टूबर 2011 की बात है। उस समय हमारे पास छोटे भाई के पास लड़का प्रिंस नाम का था, उसे के सिर में दर्द रहता था 24 घंटे, तीन मतलब तड़पता था, परेशान रहता था। उसके हमने हॉस्पिटल में यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल ऑल इन वगैरह सब में दिखाया हमने, पर उसके दवाई कोई काम नहीं कर रही थी, हाथ पैर उसके ख़त्म हो गए थे, चलना फिरना उसके बस का नहीं था। तो हम जब परेशान हो लिए तो यहाँ से गाड़ी करके हम गुरु जी के पास ले गए, गुरु जी थे रहमतपुर भोपा के पास में। वहाँ गुरु जी के पास पहुँचे तो गुरु जी ने शांत किया, रो रहे थे जैसे परेशान थे उसके बारे में, अकेला लड़का छोटे भाई के पास में, हमारे पास में तो था ही नहीं जब भी, उसके पास चार लड़की एक लड़का था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रसाद भोजन जिम्मो और हो जाए, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा अनुभव। अब हम तो मतलब गुरु जी ने सांत्वना दी तो शांत हो गए, फिर कह रहे गुरु जी आप जो है इनका इलाज करवाओ ठीक हो जाएगा। अब गुरु जी आप ही बता दो, हम दिल्ली दिखावें या जोली ग्रांट दिखावें, कहाँ दिखावें। तो आदेश हुआ जोली ग्रांट दिखाओ आप ही ने, हम जोली ग्रांट ले गए हॉस्पिटल में। वहाँ देखा तो गुरु जी की ऐसी कृपा है कि वे लोग हॉस्पिटल वाले कहने लगे अब भाई कहाँ से आए, मगर दिल्ली से, कह लें तो पागल हो, तुम इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल छोड़ के आए,
मगर जी पागल के हमारी परिस्थिति ऐसी बनी हमें आना पड़ा। कहने लगे वही बात नहीं, चलो भर्ती ना के स्टेज पर लड़का लेट रहा, हम तीनों भाई उसके साथ खड़े। तो वो कहने लगा कि मुझे चादर उड़ा दो। वो लड़का स्टेज पर लौटा लेटा, चादर लेटा उड़ा दी हमने। तीनों भाई तुम पीछे को जाओ थोड़ा, गुरुजी आ रहे हैं। उसे लड़के को गुरुजी दिखाई दे रहे थे, हम मतलब एक तरफ हो गए। अब वो चादर लेटे लेटे ऐसे पैर उठा रहे, हमने सोचा मगर भाई चलो ठीक हो गया साथ गुरु जी की दया से। खैर थोड़ी देर बाद गुरु जी चले गए, तो कह ले चादर हटा दो मेरी। हम चादर हटा के पूछने लगे माँ क्या कह रहे थे गुरु जी, हमें तो खुशी सी हुई। कह लगे गुरु जी ने कह रहे थे ये सौरे के भर्ती नहीं कर रहे, मतलब भाषा आई थी गुरु जी कई बार बोलते थे ऐसे, अब करेंगे भर्ती और तुझे तेरे पैरों से चला के भेजूँगा, मुझे चाहे मुझे अपने पैर देने पड़ो। खैर गुरु जी ने दया करी, भर्ती करा। उन्होंने भर्ती करने के बाद 10 दिन बाद अपने पैरों से चल कर आया वो लड़का। कोई किसी के आगे मैं कहूँ तो उनको गुरु जी ने अपने पैर दिए इस तरह तो मतलब विश्वास नहीं करेंगे। गुरुजी ने उसी के बाद गुरुजी ने फिर मतलब कंधे पर हाथ रख कर चलना शुरू कर दिया था कि मतलब 2011-12 की बात है ये, थोड़ा थोड़ा ऐसे चलना शुरू करते थे। हमें उस समय महसूस नहीं है, अब वो बात महसूस हो रही और गुरुजी ने ऐसा कह रहे थे भी और ऐसा हुआ उसके बाद। हम तो अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हैं, गुरु ने इतना बड़ा खेल दिखा, चमत्कार दिखा, शायद ही किसी को दिखाया हो। उसके बाद हम घर ले आए, घर ले लाने के बाद फिर दोबारा चमत्कार दिखाते हैं। लड़का ऐसे सोफे पे लेट रहा, पैर हाथ पैर ख़त्म थे। ये 23 अक्टूबर 2011 की बात है, यहीं रहते थे दुर्गापुरी, हम बोरदास के मकान में किराए पर रह रहे थे। उस समय हम वहाँ से लोनी से मकान छोड़ कर बना के थे यहाँ गुरु जी के कहने पर। जब वहाँ लोग चिढ़ने लगे कुछ ऐसे, भाई गुरु जी कहने लगे मास्टर तो इतना मकान छोड़ दे, लोग तुझे फंसा देंगे, तब यहाँ रह लेंगे। तो उसके बाद वो घटना घटती है, कहने लगे गुरुजी उसमें प्रकट होकर बोल रहे हैं, जब इसी तरह भाषा बोलने जैसे गुरुजी बोलते हैं। क्या कह रहे गुरुजी? वो थार लड़का तो सुरग में चले गया, उसके सिर में टीबी भी और कैंसर भी हो रहा था। जी गुरुजी ठीक तो हो जाएगा, पर 6 महीने में ठीक होकर आएगा वो। टीबी का इलाज तुम कराइए, कैंसर का इलाज हम करेंगे और 6 महीने में ठीक हो जाएगा, पर उन्हें भूल जाएगा अपने माँ बाप को। तुम्हें माँ बाप कहेगा, मम्मी पापा कहेगा, और तुम्हें उसे पालन पोषण करना, तुम्हें जो मांगोगे वो जो मांगेगा उसे चीज़ देनी पड़ेगी। जी गुरुजी ठीक है कोई बात नहीं, पर इसे ठीक कर दो आप। कह रहे ठीक तो हो जाएगा कोई बात नहीं। गुरुजी के इतना कहने के बाद में गुरुजी कहने लगे इसमें 6 शक्तियाँ रहेंगी, जब तक 6 महीने तक ठीक होकर आएगा। हम जो है मतलब शांत, हमें तो खुशी हो पड़ी। अब उसमें वो लड़के का तो जी बोल नहीं रहा था, दूसरी शक्ति बोल रही, समय कहने लगे या तो खड़े होने बस का नहीं था, वे खड़े होके 2-3 पैड़ी चढ़ के चले गए और फिर आके बैठ गए। उसके बाद 40 दिन तक गुरुजी ज्ञान भिक्षु जी भी आए, गुरु रविदास जी भी बोले, झाली कमाली मीराबाई सब गुरुजी कहने लगे। आज उन गुरुजी रविदास जी को बुला रहे हैं, आज झाली को बुला रहे हैं। एक दिन बीच में ऐसी घटना घटी, जब भी गुरुजी प्रकट होते थे गुरु संबंधा शक्ति, तो हम जयकार लगाते थे, बोलो सदगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी ज्ञान भिक्षु जी महाराज की जय, सदगुरु संबंधदास जी की जय। जब हम जयकार लगाते थे वो एक दिन अचानक कैसे कहने लगे अगर तुम उसकी जय बोल रहे न तो मेरी दही तोड़ रखी। ज्ञान भिक्षु जी महाराज की बात बता रहे हैं गुरु जी। कह लगे मगर जी क्या हो गया गुरु जी? उस लड़के में प्रकट शक्ति थी जैसे। कहने लगे अरे देख निशान मेरे जगह जगह, आप अनजान हंगूरे भर रहे हो, जगह जगह निशान थे चोट के, मतलब यहाँ पैरों पे। माँ के क्या कह रहे थे गुरुजी? नो तो उनका लड़का क्यों दिया और उगा लेकर क्यों दिया तन्ने और इन ऐसा क्यों करा? नो गुरुजी मन ने वादा कर रखा था इन्हें, अब वो वचन देर का था गुरुजी न था हमें भाई अपनी बीच बात थे। उधर वो घटना उन्हें तो अपना
बनानी थी घटनाएं किस तरह बनती हैं वे जानते हैं उस चीज़ को, तो क्या करना था। उसके बाद कई बार ऐसे खेल हुए कि चमत्कार हुए, आते रहे गुरु जी। एक दिन कहने लगे, वह लड़की सेवा कर रही थी, छोटे भाई की लड़की, नुहाना धुआना खाना पीना उसका वही कर रही थी ज़्यादातर, तो उसके पेट में गांठ थी। कहने लगे चल आज तेरा ऑपरेशन करेंगे। उस लड़की को लिटा लिया, कपड़ा हटा, बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने में थे ऐसे पेट पे, कुछ उसके चक्कू फेरा प्लास्टिक का, उसे ऐसे करा और ऐसे करके जा हो गया ठीक। उससे बाद में ना गांठ ना दर्द। छोटे भाई ने फिर भी शक मिटाने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें कोई गांठ नहीं निकली, अल्ट्रासाउंड में गांठ ही नहीं आई। एक दिन हमारी बुआ का लड़का कह लगा, महावीर का लड़का, गुरुजी चश्मा लग रहा मेरे कम दिखने लगा मुझे, सांझ को ऐसे बैठे बैठे, तेरा चश्मा हटवा दें। जी गुरुजी हटा दो। गुरुजी ने ऐसा हाथ करा चश्मे के ऊपर को, अनजान अंगूरे भर रहे आप, उसका चश्मा नुकवा बटा, चश्मा दिखने लगा सही जी, दिखने लगा गुरुजी। उसके बाद उसे दिखना शुरू हो गया। फिर बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते रहे गुरु जी के, हम तो बड़े बड़ी कृपा है, बड़ी सब खुश, बहुत बड़ी कृपा है सब, बहुत अच्छा लगा। बोल, 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 क्या बोलना है सर? पहले बोलो सतगुरु रविदास महाराज की जय, फिर स्वामी ज्ञानचंद महाराज की जय। बस इतना बोलो, सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज जी की जय, और स्वामी ज्ञान विक्षुप जी महाराज जी की जय, सतनाम सत साहेब। मेरा नाम अनमोल है, मेरा मेरे पापा जी का नाम रिचपाल है, मैं रामनगर शाहदरा दिल्ली। मेरे मम्मी पापा टीचर है, हम दो बहन भाई।